नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आप मार्केट में ट्रेडिंग क्यों करते हैं, एक्साइटमेंट के लिए या फिर पैसे के लिए? आपका जवाब होगा पैसा। बट यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मार्केट में आप पैसा कमा सकते हैं या फिर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करें या फिर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करें। बट यहाँ पे दो कैटेगरी डिवाइड हो चुकी है ट्रेडर्स की। एक तो वो है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही काम करना पसंद करते हैं, जैसे वो वीकली ऑप्शन में काम करेंगे या फिर नेकेड पोजिशन बनाएंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना बुरी बात नहीं है, बट अगर आप स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे तो इसमें पैसा बना सकते हैं ऑप्शन की काफी सारी स्ट्रेटजी यूज करके। बट कुछ लोग हैं जो फिर स्टॉक्स में ही काम करना पसंद करते हैं। देखिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टॉक्स में तो स्टॉक्स में पैसा कमाएं, इंडेक्स में अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडेक्स में पैसा कमाएं। बट मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो नेकेड पोजिशन बनाते हैं, जो ऑप्शन की स्ट्रेटजी का यूज नहीं करते, सिर्फ नेकेड पोजिशन बना के काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे भैया निफ्टी में कितनी तेजी से उछाल देखने को मिला और वहां पे लोग अभी भी पुटे खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं सिर्फ इस होप से कि कभी मार्केट क्रैश होगा और उनका पैसा बन जाएगा और वो एवरेजिंग करे जा रहे हैं और मार्केट में पैसा डाले जा रहे हैं। ये तरीका मार्केट में बहुत ज्यादा गलत है और मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो मार्केट से बहुत जल्दी आप आउट हो जाएंगे। दूसरा दोस्तों यह है कि आप अपने टेक्निकल एनालिसिस को स्टॉक्स में आप यूज कर सकते हैं। देखो इंडेक्स में दो ही ऑप्शन है, निफ्टी बैंक निफ्टी में ही काम कर सकते हैं आप, बट यहाँ पे स्टॉक्स, काफी सारे स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल हैं और इन स्टॉक्स में आप ट्रेड करके पैसा अपना बना सकते हैं, जैसे कि दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताना चाहूंगा। आज मार्केट तेज थी, बस हमने कुछ स्टॉक्स थे जिसमें ट्रेड करा और अच्छा खासा पैसा हमने वहां से निकाला। तो मार्केट में आपको अपॉर्चुनिस्ट की तरह काम करना है, ना कि जिद्दी बन के। आप जिद्दी बहुत हो, जिद मार्केट में आपको दोस्तों छोड़नी पड़ेगी और जब आप जिद छोड़ेंगे और जब आप बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से काम करेंगे तो आप पैसा बना पाएंगे। और मैं कहना चाहूंगा स्टॉक्स में ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं, यानी कि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में इंडेक्स में ट्रेड नहीं करना, बट आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है, आपको टेक्निकल एनालिसिस देखना है कि जिस पैटर्न, अगर पैटर्न बना है निफ्टी बैंक निफ्टी में तो ट्रेड कराए, नहीं तो दोस्तों ट्रेड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। स्टॉक्स में डेली बेसिस पर पैटर्न बनते हैं, जो कि आज की वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा। तो वीडियो आज की काफी एजुकेशनल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मैं लेकर जाऊंगा टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से स्टॉक थे जो मैंने आज के दिन आपको रिकमेंड करे थे। कल डेप्टो रेडी वगैरह आपको बाय कराया था, उसमें टारगेट आया था। बट आज मैंने आपको बताया था कि आप एस्कॉर्ट में ट्रेड बना सकते हैं और आज एस्कॉर्ट जो था 1366 के आसपास ट्रेड करा रहा था। अब मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, यहाँ पे लेके जाता हूँ एस्कॉर्ट के चार्ट पे। एस्कॉर्ट हमने कल आपको सेल कराया था और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस एरिया को कर देता हूँ थोड़ा सा जूम। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पैटर्न बनाता है एस्कॉर्ट में, जिसको हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर बना था और कल क्या था, यहाँ पे हमने आपको सेल कराया था और हुआ क्या, इसमें एसएल बचा था। कल की वीडियो में आपको बताया था सिर्फ 60 पैसे से एसएल बचा था और जब आज मार्केट यहाँ पे ट्रेड करा था 1365 पे 66 पे ट्रेड करा रहा था, तो हमने आपको रिकमेंड करा था भैया अभी भी एक अच्छे रेट पे खड़ा है, इसमें पोजीशन शॉर्ट बना सकते हैं, कल की वीडियो में बोला था। और आज टेलीग्राम चैनल पे स्पेशल मैसेज किया था, यहाँ पे देखिएगा मॉर्निंग में मैसेज कर दिया कीप एन आई ऑन एस्कॉर्ट्स और 9:37 पे कर दिया था। अब क्या करेंगे दोस्तों, मैं फिर से लेके जाऊंगा आपको चार्ट पे और यहाँ पे देखेंगे कि अभी इसमें लो बन चुका है कितना, मैं आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूँ। लो बन चुका है इसमें 1342 का, 1342 का लो बन चुका है। अगर आपने इंट्राडे में ट्रेड करा होगा एस्कॉर्ट में तो पैसा बनाया होगा। और आप देखेंगे निफ्टी आज काफी ज्यादा तेज थी बट इस स्टॉक में सेलिंग हुई। क्यों हुई? क्योंकि आपने अपने पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करा, ना कि मार्केट में जिद्दी होकर भाई निफ्टी तेज है तो स्टॉक्स खरीद लेते हैं, स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल जाएगी पैसा बना लूंगा। अब ऐसा नहीं है, स्टॉक्स अपने हिसाब से चलते हैं, निफ्टी अपने हिसाब से चलती है। तो आपको निफ्टी स्पेसिफिक नहीं होना, आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना है। जिस इंडिविजुअली स्टॉक्स में कोई पैटर्न बना है उसमें ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे एस्कॉर्ट में अभी भी मैं कह रहा हूँ कि हमारा टारगेट नहीं आया, हमें लग रहा है कि एस्कॉर्ट जो आने वाले टाइम पे 1310 का रेट दिखा सकता है। और कल भी दोस्तों मैं इसमें अपनी पोजीशन शॉर्ट में बनाने वाला हूँ और आज मैंने अपनी जो पोजीशन बनाई है उसको मैंने होल्ड करा है। तो यहाँ पे दोस्तों अब मैं अगला स्टॉक आपको दिखाना चाहूंगा जो हमने आपको रिकमेंड करा था, वो था दोस्तों एमसीएक्स। एमसीएक्स हमने आपको 1528 पे बोला था शॉर्ट करने के लिए, रीजन कहता हूँ क्योंकि इसमें इवनिंग स्टार बना था, वो भी अवर्ली के चार्ट पे। तो मैं क्या करता हूँ एमसीएक्स के चार्ट पे आपको लेके जाना चाहूंगा, एमसीएक्स का चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिएगा इस जगह पे देखते हैं और मैं इसका अवर्ली चार्ट आपके सामने लगा देता हूँ।
तो हमने आपको रिकमेंड करा था यहाँ पे 1528 रुपए पे, यहाँ पे ट्रेड करा रहा था 1528 के आसपास, और दोस्तों इसने लो बनाया है 1500 के आसपास का। तो देखिए अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, देखो पहले तो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ वो थोड़ा सा एडवांस तरीका है, बट आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक अगर होगा तो ये मेरी सारी चीजें आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैं सिर्फ लाइनें ड्रॉ करके इंडिकेटर लगा के 10 मिनट अपनी वीडियो में बर्बाद नहीं करता, और ना मैं आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा एडवांस तरीके से पढ़ाने की कोशिश इसलिए करता हूँ क्योंकि ताकि आप मार्केट में प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी को समझ के ट्रेड करके पैसा बना पाए, और ये सारी चीजें मैं दोस्तों मॉर्निंग में रिकमेंड करता हूँ आपको। तो यहाँ पे 1528 पे मैंने आपको बोला था कि आप M6 में ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इवनिंग स्टार बना था और उसके बाद यहाँ पे हमें मिला 1528 पे, 1500 का जो इसका टारगेट था वो आज हमें मिल गया है। बट दोस्तों एक चीज और है मैं आपको समझाना चाहूंगा इस स्टॉक में, कि आपको टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन को भी धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। अब ये इवनिंग स्टार हमें पैटर्न मिला और उसके बाद स्टॉक नीचे गया, बट आज हमें ये क्या मिला, ये आज हमें स्टॉक ऊपर मिल गया। सेलिंग का जो रेट था इसका वो एक्चुअल में बनता था 1518 रुपए के आसपास, बट हमें यहाँ 1528 मिल गया क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस था वो क्या था, इवनिंग स्टार के हाई का था, तो छोटा सा स्टॉप लॉस रह गया। सेम हमें एस्कॉर्ट में भी ऐसा मिला, सेम हमें किसमें M6 के चार्ट में भी ऐसा मिला, और इन दोनों स्टॉक्स में हमने ट्रेड करके पैसा अपना बनाया। तो आशा करूंगा कि आपने भी M6 में ट्रेड करके पैसा बनाया होगा। तीसरा स्टॉक जो था वो हमने रिकमेंड करा था आपको SBI लाइफ। SBI लाइफ के बारे में आपको कहना चाहूंगा कि मैंने सेल कराया था इसे, सेल कराया नहीं मतलब कहने का मतलब है सेल रिकमेंड करा था इसे, क्योंकि हम कोई टिप्स नहीं देते। बहुत अच्छा पैटर्न था और मेरा इस पर ट्रेड भी बनाया था, और 1177 के आसपास हमने पोजीशन शॉर्ट में बनाई थी, और इसका जो ऐसा एक्चुअल में बनता है, काफी लोग मेरे से पूछे थे SL क्या है, तो कहना चाहूंगा भैया आप अपने चार्ट पे देखिए ना SL क्या होना चाहिए, इवनिंग स्टार के हाई का होना चाहिए। अब मैं सबको इंडिविजुअली SL तो बताऊंगा नहीं, ये है 1199 का, 1199 का इसका SL है, जो कि अभी ये ट्रिगर नहीं हुआ है, और कल के दिन अगर ये बेरिश कैंडल के साथ शुरुआत करेगा तो इसमें मैं अपनी पोजीशन शॉर्ट करूंगा। और इसमें भी दोस्तों इसी तरीके से जैसे एस्कॉर्ट और SBI लाइफ में ट्रेड करा था, वैसे ही SBI लाइफ में भी ट्रेड करके पैसा जरूर बनाऊंगा, हालांकि पोजीशन है मेरी अभी होल्ड है। अब मैं आपको चौथा स्टॉक दिखाता हूं जो मैंने आपको रिकमेंड करा था, वो था TCS, बट इसमें दोस्तों डबल टॉप था, बट सेलिंग की कंफर्मेशन आई नहीं, वन साइडेड तेज हो गया। तो अब मैं यहां पे कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये तीन चार स्टॉक मैंने आपको बताया, जैसे कि एस्कॉर्ट, SBI लाइफ बताया, साथ साथ दोस्तों मैंने आपको M6 का चार्ट दिखाया, तो इसमें दो में हमारे टारगेट आए थे, एक रह गया था हमारा। अब मैं यहां पे क्या करना चाहता हूं कि अब मैं डायरेक्टली आपको बताना चाहूंगा कि इसके साथ साथ कि आप एक और स्टॉक था दोस्तों मैंने आपको रिकमेंड करता हूं, HDFC AMC भी गया था, मैं उसका चार्ट भी आपको दिखा देता हूं। तो HDFC AMC का चार्ट भी हमने आपको रिकमेंड करा था, और अभी कहना चाहूंगा ना इसमें स्टॉप लॉस कटा है ना इसमें टारगेट आया, वो बीच में ही है जहां पे सेल करा था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इवनिंग स्टार पैटर्न बना है, सेलिंग यहां बनी थी और यहीं पे क्या है अभी कंसोलिडेट कर रहा है, अभी SL भी इसका दूर है और टारगेट भी अभी इसका दूर है, तो इसको भी अपने आप रडार में रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मैं आपको अब बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहूंगा। आज मैंने अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे बैंक निफ्टी की एक छोटी सी एक पोजीशन बनवाई थी, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये दिखेगा, काफ़ी सारे मैसेज हमारे डेली बेसिस पे आते हैं, तो यहाँ पे दिखेगा मॉर्निंग में ही हमने HD ये बैंक निफ्टी को सेल करवाया था, सेल मतलब कहने का मतलब है सेल रिकमेंड करा था। तो मैं बैंक निफ्टी का चार्ट आपको डायरेक्टली दिखाई देता हूँ, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं ऊपर नीचे हो जाते हैं मैसेज। तो बैंक निफ्टी बेसिकली क्या है, इसका चार्ट अगर मैं दिखाना चाहूँ तो बैंक निफ्टी मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करूँगा यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे दिखेगा इस जगह पे कि बैंक निफ्टी बेसिकली क्या है कि अभी ये एक रेजिस्टेंस के ऊपर काम करा रहा है। हमने आपको बोला था 35900 के ऊपर खरीदना, बट आज क्या था ये जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल है, बेरिश में कन्वर्ट हो गई थी, तो एक लगा कि हो सकता है कि कहीं ये डबल टॉप तो नहीं है, हालांकि डाइवर्जेंस नहीं थे इसमें, बट लगा कि डबल टॉप तो नहीं है, तो सोच रहा था कि हाई के SL से छोटा मोटा ट्रेड बना लेंगे, बट दोस्तों इसमें आज कुछ हुआ नहीं, ये इवनिंग स्टार बन गया। यहाँ पे देखिएगा अभी ये डेली चार्ट पे जो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है वो इवनिंग स्टार पैटर्न बना है इसमें, मतलब डूजी कैंडल बनी है। अब डोजी कैंडल तो बनी है, बट अब ये देखना पड़ेगा कि कल के दिन क्या होता है। अगर कल के दिन यहाँ पे आप बैंक निफ्टी में जो चीज बता रहा हूँ इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, इस एरिया को एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा कि अभी ये डोजी कैंडल बनी है, और कल के दिन अगर ये बेरिश कैंडल बनती है, मतलब बेरिश कैंडल का मतलब ये नहीं है कि खुला नीचे तो आप सेल कर दोगे, बेरिश कैंडल बनती है यानी कि 330 तक ये बेरिश कैंडल ही रहती है, तो उसके बाद आप कहने का मतलब है कि सेकंड को कल फर्स्ट है फिर सेकंड को अपनी पोजीशन आप सेल में बना सकते हैं,
फिर हो सकता है कि एक रिवर्सल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाए क्योंकि डोजी कैंडल बनी है। तो अभी मेरी वैसे कोई स्पेशल रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ अगर आपको लगता है कि कल बेरिश कैंडल बनती है, कल देखते हैं बेरिश कैंडल, थर्ड डे आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। अभी कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन के बाद ही काम करना है, बट आपको अपना बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर जाते हैं निफ्टी के चार्ट में तो भैया निफ्टी तो हो गया वन साइडेड, ठीक है। जिन लोगों ने कस्में खाई थी पुटे खरीद के, अब उनको मार्केट दिखा रहा है कि जिद्दी होना कितना बुरा है। देखिए गलतियां सबसे होती है, हालांकि हमने भी आपको निफ्टी रिकमेंड करा था 16,670 पे, वहां से 100 पॉइंट गिरा भी था, 565 का लो भी बना था, लग रहा 350 तक आएगा, बट कोई बात नहीं, जैसे वो रिकवर हुआ वहां से हमने पोजीशन हमने एग्जिट कर दी छोटे मोटे एसएल से। बट जो लोग हैं जो जिद्दी हैं मार्केट से फाइट करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि वो ही सही है और बाकी सब लोग गलत हैं, आप समझिए दोस्तों कि मार्केट से कभी भी झगड़ा नहीं कर सकते आप। मार्केट जो है ना आपके अंदर, देखो बहुत सारी बुराइयां अपने अंदर संभालेगा अगर आप मार्केट में 2-3 साल टिक गए। एग्जाम्पल के तौर पे देखो हर बंदे के अंदर कमी होती है और हमारा जो नेचर है हमारे काम के बीच में आता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप झगड़ालू हो तो आप हर जगह जाके झगड़ा करोगे, आप मेट्रो पे जा रहे हो तो वहाँ भी आपका झगड़ा हो जाएगा, आप बस में जा रहे हो तो बस में भी आपका झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपका नेचर है। कुछ लोग होते हैं हम्बल होते हैं, कितने भी कैसी भी सिचुएशन है उसमें बिल्कुल हम्बलनेस के साथ काम करते हैं, और भी बहुत सारे तरीके के नेचर हैं, किसी के अंदर ईगो है, तो ये सारे नेचर हमारे काम के बीच में आते हैं। अब जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं कि हमें गुस्सा आ रहा है तो मार्केट से अपना गुस्सा निकाल लेंगे, इसका मतलब ये नहीं अपना लैपटॉप तोड़ देंगे, नहीं मेरा एसएल कैसे कट गया मैं दोबारा ट्रेड लूंगा। कई लोग ईगो होते हैं, ईगो के वजह से वो अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ठीक है। तो ये सारे नेचर होते हैं, तो ये नेचर हमारे काम के बीच में आते हैं। तो 2-3 साल जब मार्केट में काम करते हैं, 6 महीना साल भर आप काम करते हैं, या तो मार्केट से आप आउट हो जाएंगे या तो मार्केट आपके जो बुराइयां है ना अपने अंदर संभालेगा, हटा देगा बुराइयां। क्योंकि क्या होता है कि जो एक ट्रेडर होता है ना वो उसके अंदर कामनेस बहुत ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर उसे पता है कि मैं ट्रेड बना रहा हूँ, मेरा ट्रेडर गलत है, ऐसा तो नहीं है कोई भगवान तो नहीं है, या हम तो भगवान नहीं है, या आप भगवान नहीं हो और ना ही राकेश झुंझुनू वाला भगवान है, ठीक है। मार्केट से बड़ा ट्रेडर ना उसको नुकसान होता है, बट वो क्या करता है अपने नुकसान को जल्दी कट कर देता है और अपने प्रॉफिट को ना राइड करता है। बट आप क्या करते हैं, नुकसान हो गया भगवान भरोसे बैठ जाते हैं, कभी ना कभी तो आएगा, मंथली एक्सपायरी का ट्रेड है ना, और क्या होता है जब प्रॉफिट होता है और जल्दी लेके निकल जाते हैं। तो ये गलतियां जो हमारी होती हैं मार्केट में, इस गलतियों को दोस्तों आपको सुधारना पड़ेगा, चाहे आप कितना टेक्निकल एनालिसिस सीख ले, कितना फंडामेंटल एनालिसिस सीख ले। मैं कहता हूँ भगवान भी आपको आके सिखा देगा ना, तब भी आप नहीं सीख पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपको अपने नेचर को चेंज करने की जरूरत है। तो नेचर चेंज करिए दोस्तों, नहीं तो मार्केट आपको चेंज कर देगा, और कहीं ऐसा ना हो कि आपका नेचर चेंज होने में टाइम लगे बट आपके पास तब तक फंड ना बचे मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो मैं भी कह रहा हूँ अभी भी सुधर सकते हैं आप। फिलहाल अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आपको मार्केट में इसी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस सीखना है और खुद से ट्रेड करके पैसा बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in। क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल पे थोड़ा सा एडवांस बताता हूँ, बट यहाँ पे बेसिक टू एडवांस सारा क्लियर है। टेक्निकल एनालिसिस आपको आना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलएनबी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, सारी चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है, यूजर आईडी क्रिएट करना है, ओटीपी पासवर्ड आएगा, रजिस्टर करके आप टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ले सकते हैं जिसकी फीस 8,000 है। ऑप्शन का कोर्स है जिसकी दोस्तों फीस है 11,000 रुपए। साथ साथ दोस्तों कहना चाहूंगा टेक्निकल ऑप्शन का आप कॉम्बो भी ले सकते हैं जिसकी दोस्तों फीस है 17,000 रुपए। तो टेक्निकल में 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, ये सारी चीजें समझाई जाएगी। साथ साथ ऑप्शन का कोर्स है जिसमें बेसिक टू एडवांस सारा ऑप्शन है, और दोस्तों ये वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी। साथ साथ कहना चाहूंगा इसमें आपको हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा जो कि काफी स्पेशल है। स्पेशल इसलिए नहीं है कि हम यहाँ पे टिप्स देते हैं, बट यहाँ ऐसा कहना चाहूंगा ये लर्निंग के साथ साथ अर्निंग का भी आपको मौका पूरा देगा, क्योंकि जब भी कोई चार्ट आपके सामने आएगा तो उसको देख के अपने चार्ट से मैच करके वहाँ पे आप ट्रेड करके पैसा अपना बना सकते हैं। साथ साथ कहना चाहूंगा संडे का वेबिनार मिलेगा, हर संडे वेबिनार करते हैं, उसका भी आप हिस्सा बनेंगे, लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम चैनल में लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कोई डाउट है कोई क्वेरी मुझे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, ये सारी फैसिलिटी आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। तो कहना चाहूंगा दो ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों में से किसी एक में भी डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो संडे का वेबिनार आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।